और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम प्ले भाई देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, तुमको लगेगा कि भाई साहब ये गेम कतई सुपर फास्ट है, क्योंकि मैं क्या बताऊँ यार तुमको इतना ज्यादा हम लोग ने व्हीकल फाइट्स लिए हैं ना, पूछो मत, पूरे पूरे स्क्वाड गिराऊंगा गाड़ी से भाई, तुम खुद देखना, बस वेट करो तुम्हारे भाई के हाथ में एक खतरनाक ब्रोकन वेपन लग जाओ, और उस वेपन का नाम है MG3। एक बार जहाँ तुम्हारे भाई के हाथ में MG3 आए ना, तूफान आएगा और कुछ नहीं। लेकिन उससे पहले मेरे को बंदे चाहिए थे, बंदे आगे वाले कंटेनर पे उतरे थे, तो मैंने इस पूरे मौके का अच्छे से फायदा उठाया। बुगित किसी काम में बिजी था, तो मैं जानता था यार कि अभी फिलहाल मैं अपने ऊपर हूँ, तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से अच्छे से दबा के लूटा। जब मेरे को ठीक ठाक लूट मिल गई, तब मैं गया शिकार करने, क्योंकि भैया जब आप अकेले हो और आपका टीममेट कहीं और बिजी हो, तो बेटर यही है कि पूरी तैयारी के साथ जाओ, वरना सूद दिए जाओगे पकड़ के। अब देखो मेरे को इतना बता था कि एक नॉक वाला बंदा कंटेनर के अंदर गया है और उसका टीममेट दूसरी तरफ, तो मैंने नॉक वाले को ग्रेनेड छोड़ाया, और फिर भाई को भी धर लिया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने और थ्री का किल ले लेना। अब देखो मेरे को यहाँ पर तीन किल मिल गए थे, जिसमें दो बंदे थे एक बॉट था, लेकिन तुमको पता है मेरा एपेटाइट जो है ना वो बहुत बड़ा है, इतने में मेरा क्या ही भला भला होने वाला है। तो मैंने बुग्गी को लगाया काम पे, मैंने बुग्गी को आगे भेजा और बुग्गी को मिल गई पूरी स्क्वाड, और भाई यहाँ पर हमारे लग गए ऑलमोस्ट। ओ भाई तीसरा बंदा भी है वहां पर। अब देखो ये भी नॉक हुआ है, तो मतलब इनका चौथा बंदा भी वहीं पर ही है जो की रिवाइव दे रहा है अपने बंदे को, तो यहाँ पर मेरे को भी रिवाइव मिल रहा था, और इनके चौथे बंदे ने पता नहीं कौन से कॉन्फिडेंस में आके हम पे पुश कर दिया। मैंने भर दिया भाई, पूरा भर दिया इसको। अब देखो तीन बंदे के फिर से नॉक थे, आखिरी बंदा जिसको इसने रिवाइव दिया था वो हील लगा के फ्लैंक मारने गया था। भैया किसके ऊपर फ्लैंक मार रहे हो तुम, मैं रोज यही करता हूँ, दिन भर यही करता हूँ, धर लिया मैंने उसको भी। अभी से कहते हैं इजी स्क्वाड वाइप, वैसे इतना भी इजी नहीं था, नॉक हो गया था मैं वो। देखो मैं टीममेट के साथ खेल रहा था, अगर सोलो स्क्वाड होता ना तो इधर नहीं पड़ गए थे। वेल निपटा तो यहाँ से हमारा दाना पानी था, नौ बंदे खत्म हो चुके थे, मेरे को 6 किल मिले थे। कल का अगर तुमने गेम प्ले देखा तो कल लोगों से 11 किल निकाले थे अपन ने, तो आज थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था अपने हॉट ड्रॉप से, तो थोड़ा मैं टेंशन में आ गया था यार कि गेम प्ले बनाने किल्स कहाँ से निकलेंगे। लेकिन वो बोलते ना कि जिस चीज़ को तुम पूरी शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है, और मेरे को तो बस एक ही चीज़ चाहिए किल्स, वो भले बॉट के हों या फिर नूब्स के। अब मैंने नूप को नूप की तरह ठोका भाई को, भाई एकदम क्या बताएं क्रिस्पी कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ये तो फिनिश हो गया था एक ही मॉली में, लेकिन इसका टीममेट जो था ना वो पूरा चरखी निकला भाई। अब ये भाई साहब ऐसे भाग रहे थे जैसे इस बिलौटी किसी ने दुम दबा दी हो लेकिन ये कितनी दूर भागेगा, पकड़ के ठोकेंगे। अब इसने गलती जानते हो क्या करी, ये भागा तो भागा लेकिन आगे जाके कैंप करने लगा, और कैंप करने के लिए भी इसे झोपड़ी मिली थी। अब मैंने ग्रेनेड डाले बिकॉज मेरे को पता था वो कहाँ पर है। लेकिन ये कौन सी मिट्टी का बना है बे, नॉक ही नहीं हो रहा। वेल एक HP का था, ये तो भागने की फुल कोशिश कर रहा था, बेचारा भाग नहीं पाया। अब देखो यहाँ पर जितने भी बंदे थे उनको तुमने बजा दिया दम, लेकिन अभी भी मेरे 8 किल हैं, और बंदे देखो तुमसे 31 बच रहे हैं, जिसमें से हम दोनों पड़ा रहे 29, तो तुम समझ सकते हो कि भाई बंदे बिल्कुल मेरे को नहीं मिल रहे। लेकिन यहाँ से मेरी किस्मत थोड़ी थोड़ी पलटना चालू हुई, उम्मीद से ज़्यादा ही पलट गई। इनफैक्ट मेरे लगा था ये गेम प्ले ज़्यादा से ज़्यादा 18 किल पर ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, चिकन निकल गया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई ये गेम प्ले नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। हुआ ये यहाँ पर मेरे को बंदा देखा जो कि बॉट निकला, ये डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन इस साइकिल वाले को मैंने चिप दिया। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, पता है इस बंदे के पास गाड़ी थी, ठीक है, इसको गाड़ी कोई दिक्कत नहीं थी, ये बस साइकिल चलाना चाह रहा था, टेस्ट करना चाह रहा था, और तभी हम आ गए और हमने इसको दाब लिया भाई, बहुत गुस्सा आ रहा होगा ये। वेल यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आया, ट्विस्ट कुछ इस प्रकार था कि देखो जो बंदा साइकिल चला रहा था उसकी गाड़ी तो हम चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बग्घी भी लगी पड़ी थी,
तुम्हारे दिमाग में एक डाउट था कि क्या इसका टीममेट भी यहाँ पर है जो गेम को पीक नहीं दिया, कैंप कर रहे हैं। तो हमने एक का चक्कर मारा इस कंपाउंड का, बट हमको कोई फुटस्टेप नहीं आया। हम अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे तो हमने ढूंढा भी नहीं। हमने कहा होगा छुपा तो बैठा रहें, तो उसे आगे बढ़ते हैं अगली स्क्वाड को मारेंगे। तो हम आए ब्रिज पे, ब्रिज चेक करने, और हुआ ये कि हमको यहाँ पर फायरिंग सुनाई थी। तो हम जोन के बाहर थोड़ा और आगे निकल गए बंदे को ढूंढने के लिए। और भाईजान मिल गए, जोन के बाहर थे ये और नॉक हुए थे, तो हमको पता चला टीममेट भी यही यही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जोन के बाहर स्क्वाड ढूंढने का मतलब है टाइम वेस्ट करना। इसकी स्क्वाड यहाँ पर हो ना हो मिलने के चांसेस भी बहुत ही कम है, लेकिन अगर मैं जोन के अंदर जाऊँगा तो वहाँ पर बंदे मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। तो जोन के बाहर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है क्यों ना हम कोचिंग की चलें, क्योंकि तुम सबको पता है कोचिंग की बेस्ट। अब देखो हम आ गए थे पोजिंग की में, काफी दिन हो गए यार पोजिंग का हॉट ड्रॉप ले हुए, क्या करे बंदे इतने कम आते हैं इधर के पूछे नहीं। अब देखो हुआ ये कि हम तो यहाँ से चुपचाप जा रहे थे, लेकिन यहाँ से मेरी किस्मत पलटी, मेरे को मेरी गाड़ी खचाखच बंदों से भरी। नाप दिया भाई, मैंने सबको नाप दिया। भाई इनका ड्राइवर बहुत बहुत ज़्यादा इनसे डिसअपॉइंटेड होगा। तुम सोच के देखो क्यों बंदा तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और एक एक करके तुम्हारे बंदे गाड़ी से गिरते चले जा रहे हैं, उनसे एक बंदा नॉक नहीं हो रहा है। तो जो तुम गाड़ी चला रहे हो ना, तुम कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अपनी टीम मेट से। तो जो भी हो, हमको तो गाड़ी चाहिए थी क्योंकि हमारी गाड़ी की पेमेंट बच गई थी। बुकी को गाड़ी तो मिली, लेकिन भाई साथ में बंदे भी मिल गए। अब देखो ये भाई साहब को एक गोली लगी थी, मेरी लगी थी, बुग्गी की लगी थी, मुझे पता नहीं है किसी की तो लगी थी, क्योंकि भाई ब्लड इफेक्ट आया था उधर। तो हम लोग यहाँ पर पुश कर रहे थे, प्रॉब्लम बस एक थी कि गाड़ी से सिर्फ एक बंदा उतरा था और हमको उसके बाकी किसी टीममेट की लोकेशन का अंदाजा नहीं था। तो हमारी फट रही थी, गंदी वाली फट रही थी कि भाई कहीं से भी स्प्रे आ सकता है। अब देखो इसको हमने नॉक करा और फिनिश नहीं करा, बिकॉज हम इसको थोड़ा सा वेट कर रहे थे, बट भाई ये जगह ओपन है, यहाँ कोई छुपने के लिए था नहीं, चर्च पे कोई था नहीं, तो हमने इसको फिनिश कर दिया। अब देखो सिर्फ 10 बंदे बच रहे हैं, हम दोनों को हटा दो, सिर्फ 8 बंदे। तो मान के चलो कि इस एंड सर्कल में जितने भी किल्स मैंने निकाले हैं, वो स्क्वाड वाइप जो गाड़ी पर मैंने करी थी वो मिला के सारे किल मैं ही निकालूंगा। भाई मौका भी नहीं मिलेगा किसी को यहाँ पर। MG3 भाई बहुत ओवर पावर्ड है, पीच माई नर्व दिस शिट, भाई बहुत ओवर पावर्ड गन है, भाई बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड गन है। अब देखो मेरे को ओपन में एक झमोरा स्पॉट हुआ था, अब मेरे को लगा वो अकेला है, तो मैंने बुग्गी से बोला क्यों ना इसको ग्रेनेड से फोड़ते हैं ट्रोल करके, बट जब अपन वहाँ पहुंचा भाई इधर गाड़ी आ गई है, अब गाड़ी एकदम से आई थी हमारे सामने भाई, प्रकट हुई थी हमारी, फट गई भाई, पता नहीं कितने बंदे हो सकते हैं, बट ये दो ही थे। तो यहाँ पर हमारी मोटी चर्बी हमको पीछे हटने नहीं दे रही थी, तो हम वही कर रहे थे जो हम कर पहले रहे थे, ग्रेनेड डाल रहे थे इनके ऊपर। बट मैंने बुग्गी से बोला भाई देख यार भारी पड़ जाएगा, दो बंदों को हम लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं, अगर हमने से एक भी उतर गया ना तो दूसरा बच नहीं पाएगा भाई, ओपन है कवर नहीं है। लेकिन क्या बताएं, खुचड़ खुचड़ होती है। तो बुग्गी ने बोला नहीं एक मॉली ट्राई करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब अपन मॉली डालने आए ना ये लोग कट लिए, तो हमने लगा दी पीछे गाड़ी और उन्होंने जो गाड़ी उड़ाई है ना भाई। आए बाप रे बाप, भाई रो दिए ये लोग। अब देखो इनको टोकने के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 और बंदे बच रहे थे मैप पे, और हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ हो सकते, लेकिन हमको पता था कि भैया देखो इस पूरे जोन में जो सबसे अच्छी जगह है ना वो है गटका, तो वहाँ पर हाइट एडवांटेज लिए तो बंदे स्पॉट कर लेंगे। लेकिन भाई
इससे पहले कि हम बंदे स्पॉट करते हैं, उन्होंने हमको स्पॉट कर दिया। हम पे चली कार 90, कान के पास से निकली थी मेरे, तो हमको पता था चली ये गटका सही है। हम पहुंच गए भाई साहब हिसाब किताब बराबर करने, हम पे स्नाइपिंग करोगे, रुको आ रहे। स्पीड से कूदा यार। वेल जो भी हो, इनको फटाफट लूटा, सिर्फ दो ही बंदे बच रहे थे और ये बिल्डिंग जोन में थी। तो भाई मेरे को ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने कर लिया यहाँ पर कैंप। और तभी मेरे को एक वहां स्पॉट हुआ, तो भाई क्या सफाई से दिया इसको। यो स्नाइपर है जिस हिसाब से ये पीक ले रहा है ना, 100% ये स्नाइपर है भाई। लेकिन उसका टीममेट किधर है, क्वेश्चन वो है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो ये है कि इसका टीममेट कहां है। अब यहाँ पर हम पुश करने की सोच रहे थे, बट भाई उसके टीममेट ने बुगी को नाप दिया। हाँ बुगी की गाड़ी कितनी ज्यादा डैमेज थी भाई कि एक गोली में ही फूट गई। भाई मेरे को एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि इसका टीममेट इतनी दूर होगा, मैं तो घास में स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था यार। अरे जो भी हो, बढ़िया गाड़ी का कवर था तो बुगी को रिवाइव करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं हुई इधर। अब क्योंकि बुगी रिवाइव हो गया था तो अननेसेसरी पुश करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि झाड़ फूस वाला इलाका है, वहाँ पर कैंपर बसते हैं और हम कैंपर्स नहीं है और हमको चिकन डिनर वेस्ट भी नहीं करना। तो अपन छत पे चढ़ गए, यहाँ से बढ़िया हाइट एडवांटेज है, नाप देंगे इनको। जोन में तो आएंगे ही ना ये, अभी नहीं तो कभी आएंगे। वेल मेरा प्लान धरा का धरा रह गया क्योंकि जोन उन्हीं पे ही बन गया, लेकिन लकली जोन हम पे भी था तो अपन इधर अभी सेट थे और इन्होंने कर दी गलती। नहीं कौन सा फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे थे डार्क भैया, लेकिन इनको चेप दिया मैंने। अब इनके चक्कर में इनका टीममेट भी ठोका जाएगा। पहले ही बोल देता हूं, खतई इजी चिकन डिनर।